चार गाड़ियों में सवार यूपीएसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर निकली तो आज तक की टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया। उज्जैन से निकलते ही एसटीएफ की टीम ने चकमा देना शुरू कर दिया। इन चार गाड़ियों में से एक में विकास दुबे एकदम निश्चिंत बैठा था। उसे लग रहा था उसकी जान बच गई है। क्योंकि उज्जैन से कानपुर जाने का सबसे आसान रास्ता मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा, गुना और शिवपुरी के रास्ते जाता है, लिहाजा आज तक की टीम शाजापुर के पास टोल प्लाजा पर मौजूद थी। जैसे ही आज तक की टीम ने शाजापुर में यूपीएसटीएफ का काफिला देखा, फिर से पीछा शुरू कर दिया। लेकिन पचोर से करीब 8 किलोमीटर पहले उदनखेड़ी के पास एक टोल को पार करने के बाद एक इनोवा कार ने ओवरटेक करके आज तक की गाड़ी को रोका और 4-5 पुलिस वालों ने बदतमीजी शुरू कर दी और पुलिस वाले कार की चाबी निकाल कर ले गए। शाजापुर के पास आज तक की टीम उनके चार गाड़ियों का जो काफिला था उसके पीछे लगती है और लगातार हम फॉलो करते हुए अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे जब वो हाईवे से गुजर रही थी गाड़ियां और कानपुर की तरफ जा रही थी, क्योंकि कई सारे टोल पड़ते हैं इस पूरी सड़क पे, नेशनल हाईवे ये है। ऐसे में जब लगातार हम फॉलो करते हुए दर्शकों तक अपनी तस्वीर पहुँचा रहे थे, उससे नाराज़ होकर के पुलिसकर्मियों ने पचोर से करीब 8 से 10 किलोमीटर पहले ये जो ढाबा है माँ नर्मदा होटल और रेस्टोरेंट, ये जो ढाबा है इसके ठीक बाहर कार को हमारी हाईवे के किनारे लगवाया और उसके बाद जो ड्राइवर है उसके साथ पहले झुमा झटकी की, उससे कार की चाबी छीनी फेंकी और उसके बाद जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उन्होंने चाबी को उठा करके अपने पास रखने की कोशिश की तो उन्हें धक्का दे करके यहीं ये जो ढाबे के जो पलंग है जहाँ पर बैठ के सब खाना खाते हैं यहीं पर गिरा दिया और उनसे कार की चाबी छीन कर वो आगे फरार हो गए। इस काफिले को कानपुर के लिए करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करना था। काफिला पूरी रफ्तार से कानपुर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद एसटीएफ की गाड़ियां गुना से गुजरती हैं। नेशनल हाईवे 46 पर यूपीएसटीएफ की टीम कुख्यात गैंगस्टर को लेकर गुना के जोगीपुरा टोल प्लाजा पर पहुंचती है। आगे और पीछे 2 टवेरा जीप रखी गई, वहीं बीच में दूसरे नंबर पर टाटा सफारी थी जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे सवार था। आज तक के रिपोर्टर विकास दीक्षित काफिले की तस्वीरें कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ भी एसटीएफ की टीम आज तक की टीम पर भड़की और कहने लगी वो मीडिया के चक्कर में सुबह से परेशान है। आज तक की टीम ने गैंगस्टर विकास दुबे को ले जा रही यूपीएसटीएफ की टीम को पगारा टोल प्लाजा पर भी कैमरे में कैद किया। यहां आज तक के रिपोर्टर विकास मौजूद थे। रात हो चुकी थी, गैंगस्टर बेखबर था, काफिला दौड़ रहा था और जैसे ही शिवपुरी के पुरनखेड़ी से 1:15 बजे गैंगस्टर की गाड़ी गुजरी, आज तक की टीम यहां भी मौजूद थी। आज तक के रिपोर्टर प्रमोद भार्गव ने गैंगस्टर की कार को अपने कैमरे में कैद किया। अब ये काफिला यूपी के झांसी की तरफ निकल गया। एसटीएफ की टीम झांसी क्रॉस करती है, तब भी आज तक के संवाददाता अमित श्रीवास्तव वहां डटे हुए थे। उनके सामने काफिला गुजरता है। झांसी के बाद जालौन की बारी थी। जालौन में भी आज तक की टीम डटी हुई थी। रिपोर्टर अलीम सिद्दीकी एसटीएफ के काफिले को जालौन से गुजरते अपने कैमरे में कैद करते हैं। आज तक की टीम उज्जैन से कानपुर के रास्ते में हर उस खास जगह पर मौजूद थी। एसटीएफ के काफिले का पीछा करते करते रात गुजर गई। विकास दुबे को लेकर यूपीएसटीएफ का काफिला कानपुर देहात पहुंचता है।
जैसे ही बराजोड़ टोल प्लाजा से ये काफिला गुजरा, यहां भी हमारी टीम ने काफिले को कैमरे में कैद किया। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे इस काफिले के इंतजार में। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आप देख पा रहे हैं जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपीएसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि लगातार उज्जैन से लेकर कानपुर तक बाकायदा सिक्योरिटी चेक हुई है, एक एक नाके पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम पहुंची। और आप देख पा रहे हैं हमें हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है ऐसा सोर्स बता रहे हैं। लेकिन आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, यहां आज तक की टीम को रोक दिया गया और विकास दुबे को लेकर एसटीएफ का काफिला आगे निकल गया। करीब 12 घंटे के सफर के बाद यूपीएसटीएफ की टीम अपने मोस्ट वांटेड मेहमान के साथ कानपुर में दाखिल हो चुकी थी। जिस बिकरू गांव से कहानी शुरू हुई थी वो बिकरू गांव यहां से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यूपीएसटीएफ की टीम को ये यकीन हो गया था अब आज तक का कैमरा उनके पीछे नहीं है और उन्होंने गैंगस्टर का गेम ओवर करने का फैसला कर लिया। गाड़ी पलटी, फिर पुलिस की पिस्टल छीनी गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की पर भागते विकास दुबे के सीने, कमर और सर पर गोली लगी और कहानी खत्म। जो ये गाड़ी थी काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और जब पलटी तो मौका पाकर जो विकास दुबे है जिसने 8 पुलिस कर्मियों की उत्तर प्रदेश के बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, वो एसटीएफ के जवान का पिस्टल लेकर भागने लगा। और चूंकि देखिए आप अगर देखेंगे ये क्राइम सीन तो ये जो मेन हाईवे है इसके दूसरी तरफ खेत है, तो उस तरफ भागने की कोशिश कर रहा था तभी जो एसटीएफ के जवान ने फायरिंग की जिसमें जो विकास दुबे है उसको गोली लगी। तुरंत यहां से विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया और जैसा कि एसएसपी ने कहा कि 4 जवान इसमें घायल हुए हैं तो उनको भी ले जाया गया, जिसमें अस्पताल के अंदर डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। 24 घंटे में गैंगस्टर का काम तमाम, न जांच, न तफ्तीश, न मुकदमा, न पेशी, न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट।